अस्सलामुअलैकुम। टेस्टी बाइट विद शाजिया खान से शाजिया खान हाजिर हैं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए अचारी, चिकन अचारी लेकर आई हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है, कम इंग्रेडिएंट में बनती है। घर के मसालों का लेकर आई हूँ मैं आप लोग के लिए, और घर के मसालों का बताऊँगी। ये 3 पाव चिकन है, 5 अदद टमाटर इनको मैंने पीस लिया, पेस्ट बना लिया है। 1 कप प्याज दही है और 1 प्याज है, उसको बारीक चॉप कर ली है। 2 चमचे लहसुन अदरक है। ये है कुछ मसाले इस तरह। साबुत धनिया है 1 चमचा, उनको मैंने कूट लिया है। सौंफ है 1 चमचा, कुटी मिर्ची 1 चमचा, पिसी हुई मिर्ची 1 चमचा, और आधी चमची मेथी दाना, आधी चमची वो अजवाइन, और नमक हसबे जायका, जितना आप यूज़ करेंगे उतना लीजिएगा। और ये हरी मिर्ची इनमें मसाला भर के एंड में जाएगा, और हरा धनिया, ठीक है। और अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। अपनी कढ़ाई हमने रख दी है, कढ़ाई में ऑयल गरम हो चुका है अच्छा खासा। अब मैं इसमें 1 प्याज जो मैंने बारीक चौकी थी वो मैं डालूंगी। अच्छा, बास लो चिकन अचारी में प्याज नहीं डालते हैं, अपनी मर्जी है ये, मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ। अगर आप नहीं डालना चाहें तो नहीं डालिएगा, क्योंकि चिकन अचारी बिल्कुल भुना हुआ बनता है, मगर मुझे थोड़ा सिलबिला रखना है तो इस वजह से मैं 1 प्याज मैंने लिए बारीक चॉप करी ली। इससे कोई जायके में टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, बस इससे ये होता है कि थोड़ी ग्रेवी बन जाती है, क्योंकि अचार गोश्त में सिर्फ टमाटर और दही तो होते हैं, तो वो थोड़ा सूखा हुआ होता है, इससे हल्की सी ग्रेवी बन जाती है, तो ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। बाकी टेस्ट जिस तरह का आता है वैसा ही होगा, बहुत मज़े का बनता है, घर के मसालों का है ये, और जल्दी बन जाता है। ये प्याज हमारी हो चुकी है, हम इसमें चिकन डाल देंगे। ये आधी मेरी चिकन बोनलेस है और आधी आधी थोड़ी हड्डियों वाली है। वैसे बोनलेस चिकन का बहुत अच्छा बनता है अचार गोश्त। चिकन का देखें कलर ये थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक जो हमने लिए था अपना, 2 चमचे लहसुन अदरक लिए थे, ये हम डाल के इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब इसी में हम ये दही ली थी, ये दही डाल देंगे, जल्दी फटाफट अपने मसाले डालेंगे फटाफट। ये सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये सब मसाले मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें पिसा हुआ धनिया भी जाता है, पर अभी मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं यूज़ किया, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग को पता है लॉकडाउन है, दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं, मार्केटें बंद होती हैं। ये मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, पिसे हुए टमाटर भी मैंने साथ डाल दिए, तो इसलिए सामान जो है उसी के साथ बना रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। ये सब मसाले डाल दिए हैं, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, ये जो इसका टमाटर दही चिकन इनका अपना सबका पानी छूटेगा, ये इसी पानी में ही पकेंगी, मैं इसमें कोई पानी कुछ भी नहीं डालूंगी, ये इसी पानी के अंदर हो जाएंगी, ठीक है। सॉरी गाइस, मैं हरी मिर्चें बताना भूल गई थी, ये 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हमने पीस के इसका पेस्ट भी डालना है साथ में। ये हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल देंगे। तो मिक्स करते हैं। और आप ये अपना ढक्कन ढक के हम इसको पकाएंगे, इसी में चिकन गल जाएगी अच्छी तरीके से। गाइस, ये मिर्चों में हम मसाला भरेंगे, ये जो मिर्चें हमने दम पे लगानी है। अच्छा, जो मसाले हमने ये चिकन में डाले थे ना, पिसी कुटी मिर्ची, पिसा हुआ धनिया और कलौंजी और ये सौंफ, ये मैंने आधी आधी चमची ले ली थी, अब इसको हल्के से पानी में हल कर लिया है मैंने, ठीक है। अब मैं ये मिर्चों में भरती हूँ। देखिए, मैंने मिर्च, ये हरी मिर्च को इस तरह इसका पेट चाक करके, अगर आप चाहें तो बीज निकाल लीजिएगा और ना चाहें तो बीज ना निकालें, मर्जी है आपकी।
ठीक है, मैं ऐसे ही भर रही हूँ इनको, ये थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा, ताकि मिर्चों में जायका आ जाए। और आप चाहें तो मसाले में नींबू भी मिला सकते हैं। देखिए हमने ये छोटे से इसका पेट चेक किया, और अब ये मसाला हम इसके अंदर, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसी तरह बाकी और मिर्चों में भी मसाला भर लेती हूँ। देखिए गाइस, ये हरी मिर्चें हमारी डन हो चुकी हैं, मैंने सब में मसाला भर लिया है। अब हम अपने सारंग के क्या हाल चाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा कलर आया है, ऑयल भी अलग हो रहा है हमारा सारंग। फिर ये भुनेगा और ये डन हो चुका है। चिकन भी देख लेते हैं हम, ये देखिए चिकन भी डन है, ठीक है, चिकन भी गल गई है। बस अब इसको हम भूनेंगे, अभी 10 मिनट में और इसे बंद कर रखूँगी, ताकि और अच्छे तरीके से ये हो जाए, फिर इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए गाइस, बिल्कुल भुनने पर है, हम इसको भून लेते हैं अच्छी तरीके से। ऑयल अलग हो चुका है, मसाला भुनने का है, हम अच्छी तरह और इसको भून लेंगे। थोड़ी आँच तेज करते हैं चूल्हे की, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सालन में। तो मेरा चिकन भी ये गल चुका है चिकन, और ये मसाला भी देखें, अच्छा खासा मसाला बना है। एक अदद प्याज आप डालेंगे ना, कोई जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई मीठापन नहीं होगा, सालन कोई मीठा नहीं होता एक प्याज से, और अच्छी खासी ग्रेवी बन जाती है आपकी। ये देखिए कि रोटी से खाएं बच्चे तो ज़्यादा मसाला मांगते हैं, ग्रेवी मांगते हैं, तो उसके लिए आप ये इस तरह कर लीजिए। जो बच्चे वाले हैं और जो मतलब अकेले हैं, तो वो भुना भुना बना के खा लीजिए। भुना हुआ तो ये भी यही है, पर ये कि थोड़ा मसाले वाला हो जाता है। हमारा मसाला अच्छी तरह भून चुका है, ये देख लीजिए आप लोग कि ये मसाला अच्छी तरह भून गया है। ऑयल अलग हो चुका है, देखिए ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और मसाला अच्छी तरह भून गया। अब मैं इसमें आटा का पानी लगाऊंगी, आटा का पानी लगा के मैंने अब जो हरी मिर्चों में हमने मसाला भरा था ना, अब हरी मिर्चें हम इसमें रख देंगे, ठीक है। देखिए ज़्यादा पानी नहीं है, हल्का सा मैंने पानी लगाया है। ये हरी मिर्चें जो हैं ये मैं दम पे रख देती हूँ। ये हरी मिर्चें हमने दम पे रख दी हैं, और ये रख के मैं इसका ढक्कन ढक देती हूँ, और बिल्कुल हल्की आंच पे रख देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा सालन रेडी है, देखें ऑयल भी अलग है, देखें मसाला बिल्कुल अलग है, ये देखें ग्रेवी, ये ग्रेवी देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। हमारा अचार गोश्त तैयार हो चुका है, चिकन अचारी गोश्त, ठीक है, घर के मसालों का बेहतरीन, साफ सुथरा, बहुत अच्छा। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी हरी मिर्चों की गार्निशिंग कर देंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया। और ये मेरा चिकन अचारी तैयार है, और उम्मीद करती हूँ आप लोग को बहुत पसंद आएगी। आप लोग घर में पकाइएगा, ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा गाइस कि आप लोग को कैसा लगा। और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मुझे अपने सपोर्ट, अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके, अब आइंदा अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।